दिल्ली में आज से अनलॉक 5 की शुरुआत हो गई है। इस दौरान क्या कुछ खुला रहेगा, क्या कुछ रहेगा बंद, बताएगी ये रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी के बाद धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दिल्ली में आज से शुरू हो रहे अनलॉक 5 के दौरान जिम और योग संस्थानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि दोनों जगहों को अभी 50% क्षमता के साथ ही खोलने की इजाजत मिली है। मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल और होटल में अधिकतम 50 लोगों के साथ शादी समारोह आयोजित करने की मंजूरी मिली है। नियम तोड़ने पर मैरिज हॉल और होटल की इमारत को भी सील किया जा सकता है। हालांकि घर और कोर्ट में अभी भी पहले की तरह ही अधिकतम 20 लोगों के साथ ही शादी समारोह की इजाजत है। हालांकि अभी लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ चीजों पर प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेगा। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी। स्विमिंग पूल, स्टेडियम, सिनेमाघर, थिएटर, वाटर पार्क बंद रहेंगे। तो देखिए, दिल्ली सरकार ने अनलॉक कर दिया, लेकिन अब जिम्मेदारी दिल्ली के लोगों की है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर पहने, और क्या लोग इसका पालन कर रहे हैं, इसी सवाल का जवाब जानने के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी निवेदिता शांडिल्य के पास, जो इस वक्त लाजपत नगर में मौजूद है। निवेदिता, कितना पालन हो रहा है नियमों का? जी देखिए, आज जो रेस्टोरों के जो मालिक हैं, जो मैनेजर हैं, सब में उत्साह है आज कि आज कम से कम इतना तो होगा कि लोग आएंगे और कुछ तो पहले के मुकाबले व्यापार जो है वो ठीक चलेगा। तो ऐसे में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं ये जानने के लिए हम लाजपत के हीरा स्वीट्स फैमिली रेस्टोरेंट में आए हैं और यहाँ के मैनेजर सत्येंद्र सिंह हमारे साथ हैं। सर, क्या क्या व्यवस्थाएं आज, क्योंकि लोग आएंगे तो परेशानी भी होगी, किस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं कि सुरक्षा बनी रहे? सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किया कि गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। हमने अपनी सीटिंग रिस्ट्रिक्ट कर दी है, 50% सीटिंग के साथ अभी ऑपरेट कर रहे हैं। और इंपॉर्टेंट चीज़ें जितने भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो थर्मल स्क्रीनिंग हो, सैनिटाइजेशन हो और टेम्परेचर चेकिंग हो, एवरीथिंग हम लोग। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि मेन्यू का, कि कस्टमर्स के लिए हमने सोचा कि उनको कुछ टच ना करने पड़े, उसके लिए कुछ इस तरीके का हमने सोचा, QR कोड हमने उसके लिए किया कि कस्टमर को कुछ नहीं करना, खाली उनको उसको QR कोड को स्कैन करना है और मेन्यू उनके मोबाइल फोन पर आ जाएगा। तो देखिए, कोरोना की वजह से लोग जिस तरह से परेशान हो रहे थे, तो अब तमाम जैसे रेस्टोरेंट हैं वो नई टेक्निक लेकर के आ रहे हैं ताकि किसी को भी मेन्यू को टच ना करना पड़े, कॉन्टेक्टलेस मेन्यू लेकर के आ रहे हैं। QR कोड अगर आप स्कैन करेंगे आपके पास मेन्यू आ जाएगा, आपको वहीं से देख करके ऑर्डर करना है। यानी फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे अब तक, उनके लिए भी एक राहत भरी खबर आई है कि जिम खुलने वाले हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वहां पर भी लोग कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूर दिखाएंगे। ABP News आपको रखे आगे।